दोस्तों, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? आप कमाना चाहते हैं, मैं कमाना चाहता हूँ, कोई बिजनेस से पैसा कमाना चाहता है, कोई जॉब करके कमाना चाहता है, कोई ऑनलाइन वेबसाइट बना के कमाना चाहता है, तो कोई यूट्यूब से बना कमाना चाहता है। अगर आप भी यूट्यूब से बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, देखिए इस वीडियो को। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। बोलिए मेरे साथ, लेट्स स्टार्ट बिट ट्रेनर। इंटरनेट ट्रेनर, स्टे कनेक्टेड, स्टे अवेयर। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरी एक YouTube पर सीरीज बना रहा हूँ, जिसे देखकर आप चैनल क्रिएट करने से ले के, या फिर आपका चैनल ऑलरेडी है, उसको एक बड़े लेवल पर ले जाएं, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनकर खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ये पूरी सीरीज मैं ला रहा हूँ, एक एक करके बहुत जल्दी वीडियो ला रहा हूँ। तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको ये वीडियो जल्दी जल्दी मिलते रहें। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यूट्यूब पर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले YouTube पर पैसे कमाने के लिए आपको एक क्रिएट करना होगा चैनल। वो कैसे करना होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। फिर आपको उस जो आपने चैनल क्रिएट करा है, उसके बाद आपको उसमें अपलोड करने होंगे वीडियो। बात यहाँ पर ये आती है कि आप चैनल किस चीज़ का बनाएंगे, ये आप पर डिपेंड है। आपको सोचना होगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप कुछ स्पोर्ट्स में बता सकते हैं, क्रिकेट, कुछ भी। आप कुकिंग में अच्छे हैं, आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, आप कॉमेडी कर लेते हैं, आप सिंगिंग कर लेते हैं, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, ये सब आप पे है। ये आपको देखना होगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, उसी चीज़ का आपको एक चैनल बनाना होगा, उसका नाम देना होगा और उसी से रिलेटेड वीडियो डालने होंगे। अब आपने चैनल बना लिया, उसमें वीडियो डाल लिया, तो क्या यहाँ से पैसा आएगा? अभी नहीं, ये बहुत जल्दी है। अब पैसा कैसे आएगा YouTube पर? YouTube कैसे पैसा देता है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। YouTube पैसा देता है, जैसे मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपने चैनल पर टेक्नोलॉजी वीडियो डालता हूँ इंटरनेट ट्रेनर की, तो मेरे वीडियो पे आप देख रहे हो, जैसे लोग देखते हैं, तो उसका पैसा नहीं मिलता। मेरे वीडियो पे ऐड आता है, और वो ऐड कितने लोग देखते हैं, जिससे हम कहते हैं गूगल एडसेंस। वो ऐड जब आ रहा है तो वो कितने लोगों के, आपने मेरा चैनल खोला, क्या ऐड आपको दिखता है? और बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे चैनल हैं जो आप खोलते तो ऐड दिखता है, तो जो ऐड दिखा, जिसका वो चैनल, जिसका वो वीडियो, उसके खाते में वो पैसा चला जाता है। तो इस तरीके से YouTube मॉडल है कि YouTube से व्यू के पैसे नहीं मिलते, ऐड के पैसे मिलते हैं, जो आपके वीडियो पर ऐड चलता है। तो वो ऐड कैसे आएगा? तो एडसेंस, जैसे हम एडसेंस कहते हैं, तो एडसेंस एक्टिव होने के लिए आपको एक यूट्यूब की जो कंडीशन है, डेडलाइन है, उसको क्रॉस करना होगा। वो ये है कि जब आप एक चैनल बना लिया, या फिर आपने अभी बनाया हो, या आपका पहले का चैनल हो, तो उस पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और आपने एक वीडियो डाला हो, या फिर 100 वीडियो, या 50 वीडियो, जितने भी वीडियो हों आपके चैनल पे, वो 4000 मिनट तक प्ले हुए हों, उनका वॉच टाइम 4000 मिनट होना, टोटल सारे वीडियो को मिला के 4000 मिनट तक वो देखे गए हों, आपके व्यूअर सब्सक्राइबर ने देखे हों, या नॉन सब्सक्राइबर ने देखे हों। 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और आपके 4000 मिनट तक वीडियो प्ले हुए हों, जिसको हम कहते हैं वॉच टाइम। यहीं पर अगर आप अपने चैनल बना लिया है, जैसे 6 महीने हो गए, 7 महीने होंगे, अभी तक आपने वो डेडलाइन पार नहीं की है, तो जब आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे, 4000 मिनट पूरे कर लेंगे, तो ये देखा जाता है कि उस डेट से, आज की डेट, जैसे आज पूरे करें, तो आज की डेट से पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि क्या आपने एक साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पुराने यूट्यूबर हैं, अगर नए यूट्यूबर हैं, तो जब आप कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, उसके बाद आपका चैनल जाएगा रिव्यू में। YouTube की जो टीम है, वो आपका चैनल रिव्यू करेगी कि आपने डेडलाइन पार कर ली है। तो वो ये देखते हैं कि आपने जो कंटेंट बनाया है, वो उनकी गाइडलाइन, जो YouTube की गाइडलाइन आती है, उन्हें फॉलो करता है कि नहीं। आपने कोई कॉपीराइट चीज़ें तो नहीं उठा ली? ऐसा तो नहीं आपने किसी का, दूसरे का वीडियो उठा के डाल रहे हैं और आप सोच रहे हो कि आप यूट्यूबर बन जाओगे? नहीं, आपका सब कुछ अपना होना चाहिए, हर चीज़ आपकी खुद की होनी चाहिए। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, किसी का डेटा नहीं डाल सकते, वरना आपका चैनल परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें YouTube की टीम वेरीफाई कर दी है कि आपका खुद का कंटेंट है, आप कंटेंट जो आपने बनाया है वो कई थर्ड पार्टी यूज़ नहीं करा, कॉपीराइट कंटेंट यूज़ नहीं करा, आपने कोई गाइडलाइन जो होती है YouTube की, मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा, उसे आप कहीं तोड़ तो नहीं रहे हो।
तो इन सब के बाद जब ये सब चेक हो जाएगा तो विद इन 15 डेज और लेस आपका एडसेंस एक्टिव हो जाएगा आपके चैनल पे। जैसे ही आपके चैनल पर एडसेंस एक्टिव हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 मिनट तक प्ले वॉच टाइम तक जो देखे गए हों आपकी वीडियो पर, उसके बाद क्या होगा, आपके चैनल पर ऐड आने लगेगा। अगर मैं आपके चैनल, मान लीजिए आपने कोई वीडियो डाला, मैं आपके चैनल पर गया और मैंने वो वीडियो देखा, फिर मुझे वो ऐड दिखेगा, वो ऐड यूट्यूब रैंडमली देता है, ठीक है, यूट्यूब के हाथ में होता है, वो अपने हाथ में नहीं होता है कभी। मान लीजिए अगर आपका 1000 व्यू आए हैं आपके चैनल पर, तो ज़रूरी नहीं है 1000 बार आपका 30 मतलब ऐड चले, 30 या 40% चलता है, मतलब 300 वीडियो में 300 व्यूअर ऐसे होंगे जिन्होंने ऐड दिया होगा और वो देखा होगा और वो ऐड से वो आप पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पर एक तरीका है एडसेंस से कमाने का। और दूसरा तरीका ये है, जब आप एक बड़ा नंबर क्रॉस कर देते हो यूट्यूब पे 50,000 से ज़्यादा, तो आप किसी ब्रांड के पास जा सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि मैंने अब इतना नंबर क्रॉस कर लिया है 50,000 उससे ज़्यादा, तो अब मेरे पास इतना मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप चाहें तो मुझे डील दे सकते हैं। तो फ्यूचर में आपको डील भी मिलने लगेंगी, या आपने खुद को अच्छे तरीके से ब्रांड बनाया है, कन्वर्ट करा है, अच्छे व्यूज़ आते हैं आपके, सब्सक्राइबर एक्टिव है, तो ये ब्रांड देखती रहती हैं। यहीं पर आपने देखा होगा आप बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो आप ऐप बताते रहते हैं आप एक वीडियो में ही, कि आप ऐप ले लो, ये ऐप ले लो, वो ऐप ले लो, कहीं कपड़े का बताते रहते हैं, कहीं कुछ बताते रहते हैं, तो वो सारी ब्रांड उन्हें कॉन्टेक्ट करती हैं। ये यूट्यूब से नहीं, ये आपकी डायरेक्ट कमाई है, आपकी और ब्रांड के बीच डील होती है, तो आप स्पॉन्सरशिप कहते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप से पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब में। एडसेंस से यूट्यूब पे ऐड आएगा उसका पैसा मिलेगा, स्पॉन्सरशिप का पैसा अलग मिलेगा। फिर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं आप कोई प्रोडक्ट कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, नीचे लिंक दे सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट की, वहाँ से आप कमीशन पा सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, खुद की मर्चेंडाइज खोल सकते हैं। तो यूट्यूब बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप आना चाहते हैं, वाकई आप मेहनत करना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर पैसे कमाने मत आओ, देखो भाई मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, आज जो यूट्यूबर बड़ा है वो ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कमाता, वो झूठ बोल रहा है, बहुत पैसे कमाते हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपको ये भी प्रूफ दूंगा कि कौन कितने पैसे कमा रहा है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वीडियो ला रहा हूँ मैं, पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ जिसे आप बहुत ही पसंद करेंगे। तो अगर ये वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, अगर नहीं हुए हो तो नीचे कमेंट कर देना, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे चैनल क्रिएट कर सकते हैं, कौन सा चैनल रखना है आपको, क्या नाम रखते हैं, तो पूरी सीरीज है। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो पसंद आया तो लाइक बिल्कुल कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करता हूँ। और मिलेंगे अगले वीडियो में, करेंगे कुछ मस्ती और धमाल, तब तक के लिए जय श्री माता।